हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टीथ के बारे में एंड उनके डेंटल फॉर्मूलास के बारे में। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है बकल कैविटी का, टीथ का पार्ट। ये आपका अपर जॉ का पार्ट प्रेजेंट है और ये हमारी लोअर जॉ के पार्ट प्रेजेंट है। अपर जॉ एंड लोअर जॉ को मैंने कम्प्लीटली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे 1/4 पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम उनके सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 इंसीजर्स देखने के लिए मिलेंगे, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसी तरह से ये सेम सिमेट्री आपको लोअर जॉ के अंदर एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ अपर और नेक्स्ट पार्ट ऑफ लोअर जॉ के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूलास के बारे में। डेंटल फॉर्मूलास के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है हमारे नंबर ऑफ सेट के बेसिस पे। नंबर ऑफ सेट ऑफ बेसिस पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारे डेंटल फॉर्मूला टेम्परेरी सेट के अंदर पूरी तरह से अलग है और उसके साथ साथ परमानेंट सेट के अंदर भी पूरी तरह से डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट सेट, जो कि हमारा टेम्परेरी सेट है, उनके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल 2 इंसीजर्स देखने के लिए मिलते हैं, एक कैनाइन, यहाँ पे प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं और 2 मोलर पार्ट देखने के लिए मिलता है। ये सेम फॉर्मूला आपके लोअर जॉ एज वेल एज द अदर साइड ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ टीथ जो कि हमारे टेम्पररी सेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा वो है 20 नंबर्स ऑफ टीथ। आप ये देखोगे कि ये हमारे 6 मंथ ऑफ चिल्ड्रन से लेके 8 to 10 ईयर के चिल्ड्रन के अंदर डेवलप होता है और उसके बाद फॉल ऑफ होते ही तुरंत न्यू सेट ऑफ, दैट इज़ हमारे परमानेंट सेट ऑफ टीथ डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं इनके डेंटल फॉर्मूलास के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारी जो अपर जॉ है वहाँ पे 2 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, एक कैनाइन, 2 हमारे प्रीमोलर्स और 3 हमारे मोलर्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से लोअर एंड अपर जॉ, और उसी तरह से आप देखोगे लोअर एंड अपर जॉ नेक्स्ट पार्ट पे भी। तो अगर मैं इन सबको प्लस करती हूँ द टोटल नंबर ऑफ टीथ मुझे मिलेंगे 32 नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हमारी इस परमानेंट सेट ऑफ टीथ के अंदर जो लास्ट मोलर के पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो उसको हम कहते हैं विजडम टीथ के नाम से, जो कि आफ्टर द एज ऑफ 18 डेवलप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारे टेम्पररी सेट के अंदर प्रीमोलर कम्प्लीटली एब्सेंट है। तो हमारे पूरे लाइफ टाइम में जो प्रीमोलर्स डेवलप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वंस टाइम है, और उसके साथ साथ जो हमारे लास्ट मोलर हैं या फिर आप उसको कह सकते हो विजडम टीथ के नाम से, ये भी हमारे पूरे लाइफ टाइम में हमें सिर्फ वन सेट ऑफ टीथ ही मिलते हैं।